नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आदर्श। आप सभी का सीयूटी इंडिया प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी के बीच में आज मैं सीयूटी पीजी एंट्रेंस के लिए आया हूं, हिंदी सब्जेक्ट के लिए। इसमें हम आप सबको पूरे हिंदी के संपूर्ण तैयारी कराएंगे कम समय में एक बेहतर रणनीति के साथ। तो आइए, इसमें हम सबसे पहले हिंदी साहित्य पर बात करेंगे। किसी भी साहित्य की एक प्रासंगिकता होती है, क्या कि उसकी वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता है या नहीं, हम इस पे बात करेंगे साहित्य की प्रासंगिकता पर। ठीक है, साहित्य की प्रासंगिकता वर्तमान समय में है या नहीं, इस पे बातचीत करेंगे। ठीक है, तो आज के युग में, वर्तमान वैज्ञानिक तकनीकी युग में, यह प्रश्न अक्सर उठाया जाता है कि साहित्य जैसी जो कलाएं हैं जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पोषित नहीं करती। भाई देखिए, यहाँ पर मिस्टेक है, घोषित लिखा है, यहाँ पोषित होगा, कि जो कि जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पोषित नहीं करती, उनकी कोई प्रासंगिकता है या नहीं, एक प्रश्न यहाँ पर आपसे बनता है। तो हम देखें, कोई भी साहित्य मनुष्य का पेट चाहे ना भरे, कोई भी साहित्य मनुष्य का पेट चाहे ना भरे, लेकिन वो मनुष्य को मनुष्य की तरह रहना अवश्य सिखाता है। हिंदी साहित्य भी इसी कड़ी में अपनी प्रासंगिकता की तमाम कसौटियों पर केवल अतीत में खरा उतरता नहीं आया, अपितु समकालीन चौतरफा दबावों के बीच भी अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध कर रहा है। अब इस प्रासंगिकता के कई सारे प्रतिमान हैं, मुझे इसमें डीप में नहीं जाना है। हमें आप लोगों के साथ एमए एंट्रेंस के लिए पढ़ना है, और इसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न कि डिस्क्रिप्टिव टाइप में। तो लेकिन थोड़े से हम हिंदी साहित्य को पढ़ने से पहले थोड़ी सी साहित्य की ज्ञान हमें या विकसित करना होगा, समझदारी। ठीक है, तो अगले पॉइंट हम देखिए, साहित्य की जो प्रासंगिकता है, एक सबसे महत्वपूर्ण इसका एक प्रतिमान क्या है, मनुष्य को संवेदनशील बनाने की क्षमता, मनुष्य को संवेदनशील बनाने की क्षमता। ठीक है, आइए अगले पॉइंट में हम बात करते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन पे, कि किसी भी साहित्य का एक इतिहास होता है कि उसका क्या प्राचीन इतिहास रहा है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास का इतिहास पे हम बात करेंगे। तो हिंदी साहित्य के एक दीर्घकालीन गाथा को, ठीक है, हिंदी साहित्य के दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास गारसा दत्त ताशी महोदय ने किया। मीन्स, मेरे कहने का मतलब यह है कि हिंदी साहित्य का जो दीर्घकालीन गाथा, जो इतने समय का लंबा इतिहास पहले रहा, उसको एक सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास गारसा द ताशी ने किया। इनका समय क्या है भाई, 1794 से 1878 ईस्वी, मीन 1794 to 1878। ठीक है, किन्होंने भाई, गारसा द ताशी महोदय ने इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा, क्या 1839 ईस्वी में हिंदवी और हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा। सबसे बड़ा बात आता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन इसमें निकलता आता है, ठीक है, आपने भी जानता कि गारसा तासी इतिहास लिखा, इस्तवार दला लेत्रे लेत्रे हिंदवी हिंदुस्तानी, भाई ये किस भाषा में लिखा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये फ्रांसीसी भाषा अर्थात फ्रेंच भाषा में इनका ग्रंथ लिखा गया, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, प्रोफेसर नलिन बिलोचन शर्मा ने अपने साहित्य इतिहास का दर्शन में लिखा है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गारसा दत्त ताशी था, यह निर्विवाद है। मीन्स, प्रोफेसर नलिन बिलोचन शर्मा ने अपने साहित्य इतिहास का दर्शन में लिखा है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गारसा दत्त ताशी था, यह निर्विवाद है। ठीक है, अगले पॉइंट पे आएंगे, क्या है कि ताशी जी का यह ग्रंथ कालक्रमानुसार न होकर कवियों का वर्णानुक्रम पद्धति में है। मीन्स, मेरे कहने का मतलब है, गारसा दत्त ताशी का जो यह ग्रंथ है, इसमें इन्होंने जितने भी कवियों का उल्लेख किया है, इन कवियों का कोई काल नहीं है कि कौन सा कवि कब इसमें आया, बल्कि उन्होंने अपने ग्रंथ में कवियों के वर्णानुक्रम के अनुसार उल्लेख किया है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, 1952 ईस्वी का समय, ठीक है, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने ताशी के इस ग्रंथ में आए हुए हिंदी के कवियों एवं लेखकों संबंधी ब्यूरोड का हिंदी अनुवाद हिंदवी साहित्य का इतिहास नाम से किया है। ये इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर लक्ष्मी, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने ताशी के ग्रंथ में आए हुए हिंदी के कवियों एवं लेखकों का जो हिंदी अनुवाद किया, वो किस नाम से किया है भाई, तो हिंदी की बात नहीं कर रहे, हिंदवी की बात है, हिंदवी साहित्य का इतिहास नाम से किया है। ठीक है, अगला पॉइंट है, मौलवी करीमुद्दीन, भाई देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ग्रंथ की बात करेंगे, मौलवी करीमुद्दीन ने तबका सुगा या तजकीरा ई शुरा ई हिंदी नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें 1000 कवियों में केवल 60 से 62 कवि ही हिंदी के हैं। ध्यान देंगे, मौलवी करीमुद्दीन का जो इतिहास ग्रंथ है तबका सुगा या तजकीरा ई शुरा ई हिंदी,
इसमें इन्होंने क्या किया, 1000 जो चार कवि हैं, 1004 कवियों में से केवल और केवल 60 से 62 कवि हिंदी के हैं, और इसका प्रकाशन भाई 1848 ईस्वी में हुआ है, 1848 में। ठीक है, अगले पॉइंट पे हम आएंगे। क्या है अगला पॉइंट, इसे देखेंगे कि इस ग्रंथ में, किस ग्रंथ में भाई, इस ग्रंथ में जो मौलवी करीमुद्दीन का ग्रंथ है, इस ग्रंथ में पहली बार काल क्रम का ध्यान रखा गया। ये देखिए भाई बहुत क्या ट्विस्ट है कि इस ग्रंथ में पहली बार, इसके पहले का जो भी ग्रंथ आया ताशी महोदय का, उसमें कोई वर्णन नहीं किया गया है, केवल सिर्फ कवियों का वर्णानुक्रम में, लेकिन इस ग्रंथ में मौलवी करीमुद्दीन के जो तबका शुआ ग्रंथ है, इसमें सबसे पहली बार काल क्रम का ध्यान रखा गया है, किंतु नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया है। मीन्स मौलवी करीमुद्दीन के इतिहास ग्रंथ में कालक्रम का ध्यान तो रखा गया है, लेकिन उस काल को कोई नाम नहीं दिया गया, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना की, जो प्रथम बार 1898 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ। ठीक है, अगला टॉपिक क्या, पॉइंट क्या है कि शिव सिंह सरोज, जो शिव सिंह सेंगर का जो ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, इसके पूर्वार्ध में 838 कवियों की रचनाओं और उत्तरार्ध में 1003 कवियों की जीवन परिचय दिया गया है। किसमें, शिव सिंह सरोज में, जो उसके पूर्वार्ध में 838 कवि एवं उत्तरार्ध में 1003 कवियों का परिचय दिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है इस ग्रंथ से पूर्व किसी भी ग्रंथ में इतने कवियों का परिचय नहीं दिया गया है। भाई मीन शिव सिंह सेंगर के पहले जितने भी इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं, उस इतिहास ग्रंथों में शिव सिंह सेंगर का जो इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज है, इतना कवियों का वर्णन उसमें, मतलब इसके पहले किसी भी ग्रंथ में नहीं किया गया है जितना शिव सिंह सरोज में किया गया है। अतः शिव सिंह सरोज को हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु कहा गया। क्यों भाई, क्योंकि यहीं से इतने ज्यादा कवियों का अन्य में किसी में परिचय नहीं दिया गया, और यहीं से हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कह लें, मींस एक सटीक तरीके से हिंदी साहित्य का इतिहास की शुरुआत हम यहां से मान सकते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पे हम देखेंगे क्या कि डॉक्टर ग्रियर्सन को देखेंगे भाई कि डॉक्टर ग्रियर्सन जो है, इनके द्वारा जो लिखित ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो 1888 से 1938 कि डॉक्टर ग्रियर्सन द्वारा लिखित मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 से 1938 ये हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना गया है। क्लियर है, ठीक है। इसमें देखिए इसके लेखन में, किसके लेखन में भाई, डॉक्टर ग्रियर्सन का जो ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, एक चीज देखिए वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है, वर्नाकुलर से मतलब होता है क्षेत्रीय बोली या क्षेत्रीय भाषा से बात किया जा रहा है। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा या बोली। ठीक है, इसमें देखेंगे कि इसके लेखन में इन्होंने सर्वाधिक सहायता शिव सिंह सरोज से ली है। ये सीधे सीधे बोल दिया भाई, मैं जो भी इतिहास ग्रंथ लिखा हूं इसके लेखन में मैं सर्वाधिक सहायता शिव सिंह सरोज से लिया, और इसमें जो है 951 कवियों में इन्होंने 886 कवि शिव सिंह सरोज से ले लिया, और केवल 65 कवि ये अन्य स्रोतों से लिए हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है ग्रियर्सन का जो यह ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ग्रियर्सन का यह ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास की नींव का वह पत्थर है जिस पे हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्य का इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने सुव्यवस्थित हिंदी साहित्य का जो इतिहास है या किस पर अपना ये भव्य जो एक भवन है, एक किस पर क्या गया है, किस पर लिखा गया है, तो ये ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास का जो न्यू का एक पत्थर है जिसपे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्य का इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया है। ठीक है, हम अगले पॉइंट पे देखेंगे क्या है कि पंडित गणेश बिहारी मिश्र, ये देखिए भाई ये तीन भाई थे, पंडित गणेश बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये तीनों सगे भाई थे। इस चीज में थोड़ा सा समय लेंगे आपसे कि ये बहुत ही कंफ्यूजन होता है आपके एग्जाम में आता है कि मिश्र बंधुओं में कौन सम्मिलित नहीं है। भाई ये बार बार एग्जाम में पूछता है, आप देख लेंगे 500 बार क्वेश्चन पूछा गया होगा। ठीक है, चाहे वो पीएचडी का एंट्रेंस हो, चाहे बीएमए का एंट्रेंस हो, चाहे कोई भी एंट्रेंस हो, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है।
तो उसमें एक ऑप्शन आता है आपके कृष्ण बिहारी मिश्र, जो कि आपको लगता है तो होगा कृष्ण बिहारी तो होगा, लेकिन कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है। इसमें कौन है? पंडित गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये तीनों सगे भाई थे और मिश्र बंधु विनोद नाम से, सॉरी मिश्र बंधु नाम से ये रचना करते थे। तो ये तीनों ने मिलकर क्या किया, मिश्र बंधु, देखिए छोटा मात्रा यहाँ पे, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य का एक बृहत इतिहास लिखा, जो 1913 में तीन भागों में प्रकाशित कराया और इसका चतुर्थ भाग, चतुर्थ नहीं चतुर्थ, इसका चतुर्थ भाग 1924 में प्रकाशित किया, 1924 में। इसमें कुल मिलाकर 4591 कवियों का विवरण है। क्लियर है? ठीक है, अगले पॉइंट पे देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास लिखा। क्या लिखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास लिखा, जो जनवरी 1929 में, ध्यान देखो जनवरी के महीना में 1929 ईस्वी में प्रकाशित के बाद इसका विस्तृत करके स्वतंत्र रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित कराया गया। मीन्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, यह सबसे पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित किया गया, जो जनवरी 1929 में विस्तृत करके स्वतंत्र रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित कराया गया। यह हिंदी का सर्वाधिक सुव्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास है। अब आप कहेंगे सर क्या कैसे मान लें क्यों इसे सुव्यवस्थित और लोकप्रिय कहा गया? देखिए इसे इसलिए कहा गया क्योंकि अब तक के जो भी इतिहास ग्रंथ हैं उसमें कवियों के वर्णों के अनुसार उसमें वर्णन किया गया, केवल कालक्रम कर दिया गया या नामकरण कर दिया गया, लेकिन या कवियों की जितनी संख्या होती थी उनको मान लिया जाता था। लेकिन जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये सबसे सुव्यवस्थित और लोकप्रिय है, क्योंकि इसमें कवियों की संख्या को कोई महत्व नहीं दिया गया। भाई इनमें कवियों की संख्या की अपेक्षा उनके महत्व पर, किनके महत्व पर? भाई कवियों के महत्व पर, कवियों के रचनाओं के, उनकी जो रचना दृष्टि होती थी उत्कृष्ट को उत्कृष्ट क्वालिटी की, उनकी रचनाओं के महत्व पर अधिक ध्यान दिया गया है। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट क्या है? शिव सिंह सेंगर। हम शिव सिंह सेंगर पे बात करते हैं। क्या कि शिव सिंह सेंगर तथा गिरियर्सन, शिव सिंह सेंगर तथा गिरियर्सन के साहित्य इतिहास ग्रंथों के लिए आचार्य शुक्ल ने वृत्त संग्रह, क्या बोला भाई? वृत्त संग्रह। ये एक ही में है कि वृत्त संग्रह, वृत्त संग्रह शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, हिंदी का प्रथम वृत्त संग्रह शिव सिंह सरोज है और सबसे बड़ा तथा महत्वपूर्ण संग्रह मिश्र बंधु विनोद है। अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण है उसे मिश्र बंधु विनोद को कवि वृत्त संग्रह, इसके लिए क्या कहा है कि यह बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह है या प्रकांड कवि वृत्त संग्रह। किसके लिए यूज किया भाई? बड़ा भारी या प्रकांड, ये मिश्र बंधु विनोद के लिए किया है। और वृत्त संग्रह क्या किया? शिव सिंह सेंगर और गिरियर्सन के साहित्य इतिहास ग्रंथों के लिए वृत्त संग्रह शब्द का यूज किया है। आगे देखेंगे FAKE और एडविन ग्रेव्स। ये भाई से आप ध्यान से देखेंगे, ये दोनों आपके बहुत ही छोटे देखने में लगते हैं इनका नाम, और एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज एडविन ग्रेव्स और FAKE में, इस चीज का ध्यान देंगे। और दोनों का नाम जो ग्रंथ है एक ही जैसा है कि FAKE ने ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी के शैशवावस्था के वृत्तों का वर्णन किया है। ठीक, आप देखेंगे नीचे एडविन ग्रीव्स महोदय ने ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर लिखा। अब भाई देखिए यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर और एडविन ग्रीव्स के ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, अंतर क्या है? हिस्ट्री और स्केच, और बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो FAKE का क्या है कि ए हिस्ट्री है और एडविन ग्रीव्स का क्या है? ये स्केच है। तो एडविन ग्रीव्स ने ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नामक साहित्य इतिहास लिखा, जो कि इसको 5 भागों में बांटा, जिसमें धार्मिक काल को 2 भागों में और हिंदी के भविष्य पर, हिंदी के भविष्य पर एक सुंदर अध्याय लिखा। ठीक है, आगे देखेंगे सूर्यकांत शास्त्री पर बात करेंगे कि सूर्यकांत शास्त्री, इसके पहले हम ये ध्यान देंगे कि अब तक शुक्ल जी के इतिहास के बाद, अब तक जो शुक्ल जी का इतिहास लिखा जा चुका है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो शुक्ल जी के इतिहास के बाद उन्हीं के प्रणाली पर कई बड़े इतिहास प्रस्तुत किए गए जो निम्न हैं। हम जो भी इतिहास प्रस्तुत ग्रंथ किए गए हैं हम उनके बारे में आपको बता देंगे, उनके राइटर कौन है, उनके पुस्तक का नाम क्या है, क्योंकि इसे बहुत डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन आपसे यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि कौन सा इतिहास ग्रंथ किस लेखक का है या इस लेखक का इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है, बताइए, इस चीज का ध्यान देंगे। तो सूर्यकांत शास्त्री,
सूर्यकांत शास्त्री कृत हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, इसमें क्या किया है, जो प्रमुख कवि आए हैं इन प्रमुख कवियों पर लंबी एवं तुलनात्मक समीक्षाएं प्रस्तुत किया एवं सामान्य कवियों का केवल विवरण इसमें संक्षेप में दे दिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास कृत हिंदी भाषा और साहित्य। श्याम सुंदर दास का क्या ग्रंथ है भाई, हिंदी भाषा और साहित्य। अगला पॉइंट है रमा शंकर शुक्ल रसाल। ध्यान देंगे भाई, कभी कभी कवियों का आपसे या लेखों का उपनाम भी पूछ लिया जाता है, तो रमा शंकर शुक्ल का उपनाम रसाल नाम है। तो रमा शंकर शुक्ल रसाल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, देखें हिंदी साहित्य का इतिहास। संबत यहाँ पर ध्यान दिया है, देखिए भाई इस भी नहीं है संबत दिया है, संबत में आप 57 साल माइनस कर देंगे तो इस भी आपको प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो संबत 1988 में इसके है। ठीक है, अब कहा गया कि इसके पूर्व लिखे गए साहित्य में जो भी पुस्तक लिखा गया है अब तक हिंदी साहित्य के इतिहास में, इसके पूर्व लिखे गए जो भी साहित्य में है उसमें से एक पुस्तक के रूप में सबसे बड़ा है। ध्यान देंगे, सबसे महत्वपूर्ण की बात नहीं की जा रही है, सबसे बड़ा है अब तक जो भी इतिहास पुस्तक लिखा गया है उसमें रमा शंकर शुक्ल का रसाल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ये सबसे बड़ा है। ठीक है, अगला टॉप पॉइंट है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इनका उपनाम क्या है, हरिओद। हरिओद द्वारा लिखित हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। लो, इन्होंने कहा भाई आप इतिहास लिखेंगे तो हम साहित्य का विकास लिख देंगे, क्या दिक्कत है। इन्होंने लिखा कि हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास जो 1931 ईस्वी में इन्होंने लिखा है। ठीक है, अगला पॉइंट पे आएंगे। अगला पॉइंट क्या है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं, लिखते हैं कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है ये 1938 में लिखा गया। अब मिश्र बंधु विनोद आते हैं। मिश्र बंधु विनोद जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ये मिश्र बंधु विनोद का ही संक्षिप्त रूप है। जो इनका मिश्र बंधु विनोद एक रचना है उसी का संक्षिप्त रूप उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है। ठीक है, अगले टॉप पॉइंट पे है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में लिखा। देखिए भाई, कभी कभी ऐसा होता है कि 3-4 पुस्तकों का नाम दे दिया रहेगा और बोला कि इसे काल क्रमानुसार लगाएं, तो इसमें आप ये ध्यान रखें जो फेमस है मैक्सिमम आपके एग्जाम में वही पूछने के ज्यादा चांसेस होते हैं। जैसे एक इंपॉर्टेंट आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी डॉक्टर रामकुमार वर्मा का आलोचनात्मक इतिहास देगा, हिंदी साहित्य की भूमिका दे देगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पुस्तक देगा, एक किसी होगी काल क्रम में लगाना होगा। तो आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा का 1938 में है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य की जो भूमिका है ये 1940 में, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगले पॉइंट में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय आधुनिक हिंदी साहित्य का पढ़ायन किया। ठीक है, और कहा कि इसमें 1850 से 1900 ईस्वी तक के साहित्य विकास का एक शोधपरक अध्ययन सामग्री इसमें उपलब्ध कराया है। ठीक है, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। हम अगले पॉइंट पाएंगे, अगले पॉइंट के डॉक्टर कृष्ण लाल। डॉक्टर कृष्ण लाल ने आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास, क्या है कि डॉक्टर कृष्ण लाल ने आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास का पढ़ायन किया। इसमें 1900 से 1925 तक ईस्वी तक के हिंदी साहित्य के विकास का सूक्ष्म निष्पक्ष तथा आलोचनात्मक विवेचन किया। ध्यान देंगे, डॉक्टर कृष्ण लाल ने आधुनिक हिंदी साहित्य का जो विकास ग्रंथ है उसका पढ़ायन किया और उसमें उन्होंने 1900 से 1925 सिर्फ 25 वर्षों तक का जो हिंदी साहित्य का विकास है उसका उन्होंने सूक्ष्म निष्पक्ष तथा आलोचनात्मक विवेचन किया है। ठीक है, अगले पॉइंट में है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास लिखा। अगले हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर आ गए हैं। इनका क्या कि हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगले हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। भाई देखिए सभी ये सबका अलग अलग इतिहास ग्रंथ है, सबका आप देखेंगे इसे थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे और अच्छे से इसका नोट्स बनाएंगे क्योंकि सबका इतिहास एक ही जैसा है, बस थोड़ा थोड़ा सा चेंज है लेकिन सबका अलग है। कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने कहा कि भाई हमने सबने कोई आलोचनात्मक इतिहास लिखा, कोई विकास लिखा, कोई सूक्ष्म लिखा, मैं लिख देता हूँ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। जो मेरा इतिहास ग्रंथ होगा वो वैज्ञानिक की तरह से होगा कि उसमें जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसमें भरी पड़ेगी। ठीक है, तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रोफेसर वासुदेव सिंह। प्रोफेसर वासुदेव सिंह ने लिखा कि हिंदी साहित्य के, लो भाई अब आप वैज्ञानिक लिखे हैं, कोई आप वैज्ञानिक लिखे हैं कोई आलोचनात्मक, तो मैं समीक्षात्मक लिख देता हूं, तो ये लिखे कि हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास। ठीक है, अगले पॉइंट में डॉक्टर रामखिलावन पांडे। एक कहें भाई लो अब आप लोग समीक्षात्मक लिखे तो मैं भी कुछ लिख दूं, तो डॉक्टर रामखिलावन पांडे ने अपने इतिहास में क्या लिखा कि हिंदी साहित्य का ये बिल्कुल हिंदी साहित्य का नया इतिहास लिख दिया। ठीक है, अब आते हैं अज्ञे। अज्ञे का पूरा नाम क्या भाई, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, अज्ञे जो है ये देवरिया से है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अज्ञे हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास लिखे, हिंदी साहित्य का
आधुनिक इतिहास, ठीक है, नामवर सिंह, परिचित होंगे इनसे आप इस नाम से, नामवर सिंह ने आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां लिखा, और प्रभाकर माचवे हैं, एक है कि हिंदी साहित्य की कहानी लिख डाले, प्रभाकर माचवे हिंदी साहित्य की कहानी लिख डाले, ठीक है। अगले पॉइंट पे आएंगे, अगला पॉइंट, हाँ ठीक है, कृष्ण शंकर शुक्ल क्या लिखते हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, कृष्ण शंकर शुक्ल का क्या है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। और अगले हैं विश्वनाथ त्रिपाठी, ध्यान देंगे भाई थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अगर हिंदी साहित्य का एक अच्छी समझ आपको विकसित करनी है तो हमें एक सतही नॉलेज की बात करें, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ने से पहले आपको हिंदी विश्वनाथ त्रिपाठी का एक और पुस्तक है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, उसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो विश्वनाथ त्रिपाठी का क्या है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, ठीक है। अगले पॉइंट पे सुमन राजे आते हैं, ये लिखते हैं कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ये कुछ नहीं भाई, अगला टाइपिंग हो चुका है, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास, ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, अगर हम बात करें आगे आप लोग यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं इसे आपको पढ़ना ही चाहिए मेरे समझ से, ठीक है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास, ठीक है। आगे की हिंदी साहित्य का एक मौखिक इतिहास हुआ भाई, हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास जो कि चार भागों में हुआ, प्रकाशित हुआ, और इसके संपादक है नीलाभ महोदय। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास चार भाग में प्रकाशित हुआ जिसके संपादक है नीलाभ, ठीक है। अगले पॉइंट पे है डॉक्टर ग्रियर्सन, हम डॉक्टर ग्रियर्सन को देखेंगे, डॉक्टर ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के 12वें अध्याय में, ध्यान देंगे, डॉक्टर ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के 12वें अध्याय में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देशन दिया, काल विभाजन का 12वें अध्याय में दिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हम हिंदी साहित्य के अब तक हम नामकरण पे बात किए हैं, कौन कौन से विद्वान अपने अपने इतिहास ग्रंथ का, अब हम नामकरण पे बात करेंगे तो सबसे पहले हम मिश्र बंधुओं का काल विभाजन देखेंगे भाई। मिश्र बंधुओं का जो काल विभाजन है वो मुख्यतः पांच भाग में है, लेकिन तीन को दो भाग में करके कुल इन्होंने मुख्यतः क्या है, पांच भाग है और कुल आठ भाग में है, ठीक है। हम पांच भाग मुख्यतः देखेंगे, बहुत डीप में इसमें आपसे नहीं पूछा जाएगा, देखेंगे, ठीक है। क्या कि एक है प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल को इन्होंने माना संबत 700 से 1444, हम आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं कि संबत में से 57 साल हम घटा देंगे तो हमें ईस्वी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। हम ज्यादातर ईस्वी से ज्यादा परिचित हैं तो हम कोशिश करेंगे कि आप ईस्वी में ही से समझें, ठीक है, लेकिन संबत में दिया तो मुझे संबत में ही लिखना होगा। तो प्रारंभिक काल का इसका समय सीमा क्या है, संबत 700 से 1444 तक। अगला काल विभाजन किया माध्यमिक काल, माध्यमिक काल को संबत 1445 से 1680 तक। अलंकृत काल, अलंकृत काल को संबत 1681 से 1689 तक। अगला की परिवर्तन काल, परिवर्तन काल संबत 1890 से 1925 तक। और अंतिम क्या पांचवा वर्तमान काल, वर्तमान काल को उन्होंने 1985 से छोड़ दिया, मीन्स हम अब तक मान सकते हैं इनके अनुसार, ठीक है। अगला हम काल विभाजन देखेंगे, अगला काल विभाजन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भाई, ये तो सर्वसम्मति से माना गया है और हम आपको यही कहेंगे इसे ही आप लोग इसे प्रीफर देंगे, बाकी आप ये जानते रहिए कि इनका काल विभाजन, इनका काल विभाजन आपके एग्जाम में पूछा भी जाएगा तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से ही पूछा जाएगा, पूरा ज्यादा चांसेस यही से होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन, ये आदिकाल, अब यह आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल कहा, वीरगाथा काल माना, इसका समय सीमा संबत 1050 से 1375, अतः संबत में हम 57 साल घटा देंगे तो हमें ईस्वी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल कहा, इसका समय सीमा है 1375 से 1700 तक, ठीक है। अगला है उत्तर मध्यकाल जिसे हम रीति काल, देखिए यहाँ पर रीति गलत लिखा गया है, ठीक है। उत्तर मध्यकाल जिसे रीति काल संबत 1700 से 1900 तक, ठीक है। और आधुनिक है आधुनिक काल जिसे शुक्ल जी ने गद्य काल नाम दिया और संबत 1900 से 1984 तक माना। ये रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। हम अगला काल विभाजन देखते हैं, ठीक है। अगला काल विभाजन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन हम देखेंगे कि इन्होंने आदिकाल, सॉरी ये तो शुक्ल का ही आ गया, एक सेकंड, आचार्य रामकुमार वर्मा, रामकुमार वर्मा का काल विभाजन देखेंगे, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने आदिकाल को सबसे पहले संधि काल, आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदिकाल को संधि काल किसने कहा, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। लेकिन आदिकाल को संधि काल और चारण काल दोनों किसने कहा, तो ग्रियर्सन का नाम आता है, लेकिन संधि काल केवल पूछा जा रहा है तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का।
तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा आदि ने संधि काल कहा, इसका समय समय संबत 750 से 1000 तक। अगला इन्होंने चारण काल कहा, चारण काल 1000 से 1375 तक, संबत में ध्यान देंगे। अगला भक्ति काल, भक्ति काल का समय सीमा संबत 1375 से 1700। रीति काल, यहां भी देखिए रीति काल लिखा गया है, ठीक है। रीति काल का समय सीमा संबत 1700 से 1900 और आधुनिक काल का समय सीमा संबत 1900 से इन्होंने छोड़ दिया, मतलब अब तक हम मान सकते हैं, ठीक है। अगला काल विभाजन किसका है भाई, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, एक ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे आप लोग, ठीक है, कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन, इन्होंने डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है, इस चीज का ध्यान रखें। तो आदिकाल इनका समय क्या है कि संबत 1000 से 1350, भक्ति काल इसका समय सीमा है 1350 से 1700, रीति काल समय सीमा संबत 1700 से 1900 और आधुनिक काल संबत 1900 होना चाहिए भाई, यहाँ पे 1300 मिस्टेक हो गया, सॉरी, ध्यान देंगे आप 1900, ठीक है। आधुनिक काल का समय सीमा क्या है, संबत 1900 से आगे तक है, ठीक है। ये रहा इतिहास का काल विभाजन, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। अब कुछ ये तो विद्वानों के दृष्टि में अलग अलग था, ठीक है। अगला क्या है कि कुछ है कि आदर्श और सर्व प्रचलित काल विभाजन, आदर्श और सर्व प्रचलित काल विभाजन, थोड़ा हम इसे ध्यान दे लेंगे भाई, ये क्या है कि आदर्श और सर्व प्रचलित, कि आदर्श और सर्व प्रचलित काल विभाजन, कि आदिकाल को यहां मान लिया गया है कि 700 से 1450 ईस्वी तक, देख रहे हैं यहां पे इसमें दिया गया है, ठीक है। पूर्व मध्य काल जिसे भक्ति काल कहा गया है, इसका समय सीमा है 1450 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक। उत्तर मध्य काल जिसे रीति काल, देखिए फिर यहां रीति गलत है, ठीक है, रीति काल इसका समय सीमा 1750 से 1850 तक। और जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल को भी कई भागों में विभाजित किया गया, आधुनिक काल का जो समय है 1850 से आगे छोड़ दिया गया, ठीक है। अब इसमें क्या था है, भारतेंदु युग, आधुनिक काल में भारतेंदु युग का समय सीमा क्या है, 1850 से 1900 ईस्वी तक, क्लियर है। द्विवेदी युग का समय क्या है, 1900 से 1918, कहीं 20 भी दिया होगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगला है छायावाद युग, छायावाद क्या है, 1918 से 1938, और प्रगति एवं प्रयोगवाद, तो प्रगति एवं प्रयोगवाद युग क्या, 1938 से 1953, मीन्स 1936 भी कह सकते हैं, यहाँ पे क्या है कि छायावाद का 1918 से 1938 तक, ठीक है। तो प्रगति क्या है, प्रगतिवाद जो युग है 1938 से 1943, मतलब 43, लेकिन प्रगति और प्रयोगवाद उसमें तो 1953 तक मानेंगे, ठीक है। नई कविता व नव लेखन युग 1953 से आगे, मीन्स नई कविता की बात करें या हम इसे साठोत्तरी कविता या समकालीन कविता जो कहते हैं उसे हम 1960 के पास से मानते हैं, ठीक है। तो अभी तक आज तक यहाँ रहा, हमने क्या क्या देखा भाई, हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रासंगिकता देख लिया, हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन की परंपरा अच्छे से हम समझ लिए, कौन कौन से लेखक, कौन कौन से इतिहास ग्रंथ लिखा, क्या क्या उनका महत्व है, और उसके बाद से हम काल विभाजन भी देख लिए। अब हम बात करेंगे अगले क्लास में, आपसे मिलेंगे एक इसी के अगले कड़ी में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सीवीटी इंडिया पॉइंट पर, धन्यवाद।